हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज स्क्वाड ट्रिक का पार्ट 3 पे हम लोग बात करने वाले हैं। गाइस, इस टॉपिक पे बात करें इससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। कुछ मेरे दोस्तों ने बताया कि आपका वीडियो धुंधला आता है। गाइस, मैं आप सबों से ये बताना चाहूँगा, जो अगर आप मेन यूट्यूब से देख रहे हो तो प्लीज़ आप क्वालिटी में जाके 720 पे जाके क्लिक करना और फिर देखना। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी दिखेगा। और जो स्नैपट्यूब या फिर ट्यूबमेट सबसे देखते हैं तो उनमें क्वालिटी इन्हांस का 720 या 460, तो 720 पे आप प्रिफर करना, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर दिखेगा। और गाइज, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि गाइज मुझे पता है स्क्वायर ट्रिक का बहुत सारे ट्रिक हैं जो आपको पता होंगे, बट इसमें कुछ मैं नया करने का, कुछ नया नहीं, कुछ बस कुछ थोड़ा सा नया मैं अपने तरीके से करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग को अच्छा लगेगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ जो मैं अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करूँगा गाइस। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए, ज़्यादा मैं अपना बकवास ना करते हुए इस वीडियो पे सीधे आते हैं गाइस। ये पार्ट 3 है। पार्ट जो नए जो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, प्लीज़ आके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, और आपको ये ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, समझ में भी अच्छे से आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको गाइस। इसमें जैसा कि हम लोग मान चुके थे, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ गाइस, इसको इस वाले पूरे रो को मैंने 1s मान लिया था, इसको 10s मान लिया था और इसको 100 मान लिया था गाइस। ओके, तो 1s वाले का याद करने का तरीका है, जो ट्रिक टू रिमेंबर है, एक पुलिस ने 4 चोर को 9-6 करते हुए पकड़ा। दैट मीन्स एक पुलिस ने 4 चोर को 9-6 करते हुए पकड़ा। 5 इज़ अ इंटरमीडिएट गाइस, 5 इज़ अ इंटरमीडिएट इसीलिए मैंने बोला है। अगर आप 5 से नीचे का अगर कोई स्क्वायर आपको लिखना है और कोई पूछ दे, तो अगर आप 1 से चालू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए 5 इज़ अ इंटरमीडिएट। आपको 5 इज़ अ इंटरमीडिएट पता है तो आपको पता होगा जो 6 पे 6 आते हैं, 7 पे 9 आएगा, 8 पे 4 आएगा। और अगर 5 से ऊपर पूछे तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, 1, 4, 9, 6। ओके गाइस, तो पहला 1s वाले के लिए ये ट्रिक है। ओके, एक पुलिस ने 4 चोर को नाचा करते हुए पकड़ा। सेकंड वाले के लिए गाइस है, 10s वाले डिजिट के लिए गाइस है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स 6 का डिफरेंस। ओके गाइस, 3 टाइम्स 6 का डिफरेंस लिखा है, दैट मीन्स ये यहाँ लिखा है 6, यहाँ पे गाइस आप 2 लिखा हुआ देख रहे हो, तो कहिए 6 का डिफरेंस कैसे हुआ। गाइस, ये 6 का डिफरेंस ही है, ये है 6, ये गाइस 12 है, 12 का आपको 2 लिखना है। ओके, 12 का 1 कैरी नहीं लिखना है, कैरी कैंसिल कर देना 1 कैरी। ओके, 12 का 2 लिखिएगा गाइस, ये 18 है, 18 का 8 लिखना है आपको, 1 कैरी नहीं लिखना है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइस, 3 टाइम्स तो हो गया, 6, 12, 18, 18 के बाद गाइस 4 टाइम्स आपको 7 का डिफरेंस रखना है। तो अगर आप 18 में 7 जोड़ोगे तो 25 होता है, 25 का गाइस 25 का 5 लिखना है आपको। उसके बाद फिर इसमें 7 जोड़ना है, 25 में 7 जोड़िएगा, फिर ऐसे ही करके 25 में 9 25 में 7 जोड़िएगा तो जो आएगा। उसके बाद फिर गाइस 2 टाइम्स 8 जोड़ना है, उसके बाद 2 टाइम्स 8 जोड़ोगे तो गाइस ये लास्ट में 62 आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 62 में से 8 माइनस करोगे तो 54 ही आता है ना, या 54 ही आता है, तो 54 आएंगे, 54 के बाद गाइस 62, तो 2 टाइम्स 8 का डिफरेंस है, 4 टाइम्स 7 का एंड 3 टाइम्स 6 का गाइस। और ये हुआ 10s वाले के लिए गाइस। और 100 वाले के लिए गाइस, 100 वाले के लिए गाइस ये लेट कर लेते हैं, हम लोग 2 डिजिट को ही 100 मान लेते हैं। डैट मीन्स ये नहीं कि जो आप लोग कहना जो ये तो 2000 पे चला गया, तो नहीं गाइस, हम लोग इस ये जो जो मैंने ये पार्टीशन करा है इसको हम लोग लेट कर लेते हैं 100। ओके, तो 100 वाले डिजिट पे यहाँ पे एक रूल है, जो 1 टाइम्स 9 2 टाइम्स 10, 1 टाइम्स 9 2 टाइम्स 10, 1 टाइम 11 2 टाइम 12 3 1 टाइम 13 1 टाइम 14 और 1 टाइम
15 गाइस गाइस आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जब इतना कुछ देख ही लिया तो अब प्रैक्टिकल देखना ज़रूरी है जो कैसे होता है। गाइस यहाँ पे मैंने यहाँ तो कुछ का लिख दिया है गाइस, मैंने यहाँ पे 37 का ब्लैंक्स रखा है। ओके गाइस 37 का ब्लैंक्स रखा है गाइस, अगर आपसे पूछ दे तो आप तीन भागों में सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, वंस टेंस एंड हंड्रेड में। तो गाइस वंस वाले प्लेस के लिए आपको तुरंत याद होना चाहिए, तो 5 पे 5 आता है, 5 पे 5 आता है गाइस, 6 पे 6 आता है एंड 7 पे 9 आता है। तो गाइस यहाँ पे आपको 9 तुरंत लिख देना। अब तुरंत झट से आप टेंस वाले पे जाइए, टेंस वाले पे आपको याद होना चाहिए जो 3 times 6 का डिफरेंस है एंड 4 times 7 का डिफरेंस है गाइस। तो 6 फिंगर पे आप गिन लो, 6 12 18 25 32 32 के बाद गाइस 39, 6 पे 39 आते हैं, उसके बाद 39 के बाद गाइस 46 आते हैं। ओके तो 46 सेवन का, सेवन वाले के लिए गाइस आपको 46 का 6 लिख देना है गाइस, और 100 वाले के लिए आपको पता है 7 है क्योंकि 1 times 9 होगा, तो 1 times 9। ओके 2 times 10, 1 times 11 4 हो गया, 2 times 12 6 हो गया एंड 1 times 13 तो गाइस 13। ओके तो ऐसे ही करके गाइस करना है। मान लीजिए अगर 35 का करना है तो आपको एकदम जीप पे रटा होना चाहिए, और मेरे शुद्ध हिंदी वाले में आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। अगर आप मेरा दोनों वीडियो और ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही इस सीरीज़ के लास्ट होते होते तक आप महारत हासिल कर लोगे गाइज। आइए 35 में तो आपको 5 is intermediate आपको याद ही होना चाहिए। 2 का गाइज करना है टेंस वाले डिजिट के लिए, तो 6 12 18 25 एंड 32, 32 का 2 लिखना है एंड हम लोगों को पता है जो 35, तो फिंगर पे गिन लेते हैं 1 times 9, 2 times 10, 1 times 11 एंड 2 times 12, तो 12 आ गए गाइस। ऐसे ही हम लोगों को करना है। और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस, एंड इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। और हाँ मेरे, और एक चीज़ और मैं गाइस बोलूँगा, मैं ये मानता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हो आपके 24 आवर के लाइफ में आपके पास एटलीस्ट 10 to 15 मिनट होंगे जो आप इसको रिवाइज कर सको, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ भी गेन नहीं होगा। आपको कोई भी ट्रिक दे दिया जाए आपको एट द एंड आपको भूलना ही है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे तो वो ज़्यादा लॉन्जिविटी नहीं होती उसको। तो सो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा इसको रिवाइज करें एंड थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।